कल भारत रत्न महान पुरुष देश के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी, जो चारों तरफ जोर शोर से बनाया जा रहा था। लेकिन कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के सनौला प्रखंड के कांग्रेस कार्यालय में ताला लटका मिला, जबकि यह क्षेत्र पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 9 बार विधायक रहे स्वर्गीय सदानंद बाबू का गिरी प्रखंड है। यह विगत महीना पूर्व लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया और 2020 में कहलगांव से कांग्रेस से प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 75,000 वोट अपने झोली में अर्जित किया था। आज वही कांग्रेस कार्यालय में ताला लटका हुआ था। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा नजर आया, जबकि शुभानंद मुकेश जी ने बीते 2 दिन पूर्व ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 12 दिसंबर को पटना कृषि मेमोरियल हॉल में जदयू का दामन थामने का ऐलान कर दिया था। जब हमारे संवाददाता रशीद आलम सनौला कांग्रेस भवन के पास पहुंचे तो देखा कि ताला लटका हुआ है और वहां से निराश होकर कार्यकर्ताओं ने सनौला जिला परिषद डाक बंगला में तत्कालीन बैठक किया। कमालपुर श्रीचक पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद मुस्तफा उर्फ मुश्ताक भाई के नेतृत्व व भागलपुर जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष कांग्रेस डॉक्टर प्रदीप कुमार के संरक्षण में बैठक हुई और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सनौला मोहम्मद जुनाब आलम, महमूद आलम, सहनवाज उर्फ हसनी इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता के संरक्षण में यह निर्णय लिया गया कि यह काफी दुखद घटना है और वह निराश होकर अपने अपने घर जाना पड़ा। ये जानकारी भागलपुर जिलाध्यक्ष जनाब मातरम परवेज जमाल साहब को दे दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता व भागलपुर टाउन के विधायक अजीत शर्मा को भी जानकारी दे दी गई। अब देखते हैं आलाकमान इनके ऊपर क्या सोचते हैं। यह काफी दुखद घटना कांग्रेसियों के लिए है, जबकि अब देखना है आगे क्या होता है। आइए दिखाते हैं आपको बिहार से संवाददाता रशीद आलम की खास रिपोर्ट। जदयू का दामन थाम रहा है आपका नेता, आपका क्या इसमें कहना है? पहले तो हम शुभम मुकेश का भर्त्सना करते हैं कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया हम लोग के साथ, और उनके जाने से हम लोग को काफी इफेक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और जो भी कमी है उसको हम लोग मजबूती करेंगे। लोगों का कहना है कि कांग्रेसियों द्वारा माननीय विधायक जी जो कि श्रीमान सनातन बाबू का सहयोग नहीं किया गया, इसलिए उनका सुपुत्र को आहट आया, उनको दिल में कुछ लगा कि कांग्रेस हमें सहयोग नहीं किया, कहां तक सकते हैं? अगर सहयोग नहीं किया 75,000 वोट लाए कैसे? जीत हार अलग चीज है, सहयोग तो किया ही है, खुल के हम लोग सहयोग भी किए थे। जहां तक रही बात जीत हार का, तो वो किसी के नसीब का लिखा हुआ थोड़े है कि हम आज नहीं गए तो हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। सहयोग हमने हम लोगों ने कांग्रेसी ने खुल के किया, जहां तक उसको था सहयोग मिला। अब रही बात जीत हार का, तो अपना समझे आगे पीछे क्या हुआ, तो भविष्य जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर बताया जा अब अल्पसंख्यक वोटर का क्या होगा, जबकि माननीय विधायक महोदय जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यकों के चाहता थे, अल्पसंख्यक वोटरों पे राज करते थे, अब क्या होगा? जो कि उनका सुपुत्र शुभानंद मुकेश जी जदयू का दामन थाम लिया है। उन्होंने बहुत गलत काम किया है, ऐसी गलती उसको नहीं करना चाहिए। अब युवाओं से राय जानते हैं और कुछ जो बुद्धिजीवी है सर, अब युवाओं से राय जान 2020 में काफी मेहनत किए थे उनके साथ, अब कैसा लग रहा है, अब आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? बहुत निकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसा कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जिस पार्टी के लिए हमने पिछले दिन 2020 में चुनाव हुआ था, इसमें ताबड़तोड़ मेहनत किए थे, और जैसा भी शुभानंद मुकेश बाबू भी जदयू में कर रहे हैं गए, लेकिन ये उसका निजी मामला है। लेकिन उसके पीछे जो भी ये जितने भी लोग जा रहे हैं, इसका घनघोर निंदा करते हैं हम लोग, और बाकी हम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें देश को चुनना है। बाकी इसके खिलाफ जितना मेहनत हो रहा है इससे भी अच्छी पहल करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और युवाओं से राय जानते हैं, बताया गया कि क्या स्थिति रहेगा आज के युवा और कल के युवा में, क्या फर्क होगा? आज का युवा जागरूक हो चुका है, आज का जो युवा है पहले के युवा में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। आज पहले का युवा वो ताला लगा हुआ
आपके कार्यालय में है, आप तक जानकारी मिली? जानकारी मिली है आला कमान हमारे परवेज जमाल जी से कि कांग्रेस ऑफिस में ये लोग शिलालेख तोड़ रहा था। कल ही मुझे जानकारी मिली दूरभाष पर, और उनसे यह भी आग्रह हम लोग किए कि इस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो। तो परवेज भाई बोले कि आप लोग बैठक कीजिए। हम लोग मुश्ताक भाई के साथ कनौला प्रखंड के सारे कांग्रेसी हम लोग आज बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था। उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लिए हैं कि 12 तारीख को कांग्रेस भवन में ही बैठक करेंगे, और आज की बैठक में हमारे जितने भी यहाँ के सनौला प्रखंड के जो भी हमारे जदयू में जा रहे हैं 12 तारीख को, उसका निलंबन हुई है 6 साल के लिए। हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और हम लोग और मजबूती के साथ जो सदानंद बाबू के समय का कांग्रेस का कांग्रेसी रहा है, उससे भी ज्यादा हम लोग भरपूर मजबूती से सनौला प्रखंड ही नहीं भागलपुर जिला कांग्रेस आगे बढ़ेगा। हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये सनौला की धरती ये ऊर्जावान धरती रही है। यहाँ हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, यहाँ के जितने भी हमारे कांग्रेसी हैं, और सारे लोग और मजबूती के साथ विकास का काम करेंगे, गांव गांव का दौरा करेंगे और इसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। मैं सारे आज के बैठक में हमारे मुश्ताक भाई के साथ और हमारे जितने बुजुर्ग हमारे कांग्रेसी भाई हैं, सबको आप धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग आगे आइए, और भी सदानंद बाबू के टाइम का जो इतिहास रचा है कांग्रेस, वह पुनर्जीवित रहेगा, अस्थाई रहेगा, और मजबूती के साथ हम पेश आवेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अल्पसंख्यक चेहरा में इसे कौन नहीं जानता है, जो कि कांग्रेस जब इनका 20 साल का रहा क्रियाकलाप कांग्रेस का, और जबकि काफी उतार चढ़ाव भी इन्होंने देखा है। अब 75,000 वोट लेकर जदयू का दामन थाम रहे हैं आपका नेता, आपका क्या इसमें कहना है? पहले तो हम शुभम मुकेश का भर्त्सना करते हैं कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया हम लोग के साथ, और उनके जाने से हम लोग को काफी इफेक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, और जो भी कमी है उसको हम लोग मजबूती करेंगे। लोगों का कहना है कि कांग्रेसियों द्वारा माननीय विधायक जी, जो कि श्रीमान सदानंद बाबू का सहयोग नहीं किया गया, इसलिए उनका सुपुत्र को आहट आया, उनको दिल में कुछ लगा। मोहम्मद जुनाब आलम, प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी शिक्षक विभाग। आखिर क्या कारण हुआ, जो कि आप लोग डाक बंगला में आपका कार्यालय बना हुआ है, आखिर कारण क्या? आज हम लोग सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय गए, तो कांग्रेस कार्यालय के पास जैसे गए तो देखे वहाँ पे ताला लटका हुआ था, तो ताला लटका होने के कारण हम लोगों को वहाँ से वापस आकर यहाँ पे बैठकर निर्णय लेना पड़ा कि आगे की रणनीति क्या करना है। आखिर आपने आला कमान को जानकारी दिया, जिला अध्यक्ष राज्य स्तर से जानकारी दिया आप लोग? मैंने इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष परवेज जमाल साहब, वो भी आए थे यहाँ पे, उसके बाद सीएलपी लीडर अजीत शर्मा साहब और युवा कांग्रेस के जितने मतलब लीडर है प्रदेश स्तर तक के, सभी को मैंने जानकारी दे दिया हूँ। तो देखते हैं इतना है इश्क रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है। सर आपका शुभ नाम? जिला महामंत्री भागलपुर। कांग्रेस भवन में ताला लगा हुआ, इस कारण से हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती है, आप लोग किस कैसे मनाएंगे, क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम रखे हैं, यहाँ पे हो पाएगा? अम्बेडकर जयंती पार्टी कार्यालय में ताला लगे होने के कारण हम लोग यहाँ मनाएंगे, आज हम लोग इसलिए यहाँ जुटे हैं। शिक्षक संघ जो कि कांग्रेस कमेटी द्वारा जो नेतृत्व दिया गया था, जो कि ताड़र कॉलेज के ताड़र कॉलेज महाविद्यालय ताड़र के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा, जो कि काफी दिनों से अपना 2 से 3 दशक बिता दिए कांग्रेस में, आखिर सब आखिर सूरत हाल आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ताला लगा हुआ आपके कार्यालय में है, आप तक जानकारी मिली? जानकारी मिली है आला कमान हमारे परवेज जमाल जी से कि कांग्रेस ऑफिस में ये लोग शिलालेख तोड़ रहा था। कल ही मुझे जानकारी मिली दूरभाष पर, और उनसे यह भी आग्रह हम लोग किए कि इस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो। तो परवेज भाई बोले कि आप लोग बैठक कीजिए। हम लोग
मुश्ताक भाई के साथ कनौला प्रखंड के सारे कांग्रेसी हम लोग आज बचे हुए हैं, क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था। उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लिए हैं कि 12 तारीख को कांग्रेस भवन में ही बैठक करेंगे, और आज की बैठक में हमारे जितने भी यहाँ के कनौला प्रखंड के जो भी हमारे जदयू में जा रहे हैं 12 तारीख को, उसका निलंबन हुई है 6 साल के लिए। हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और हम लोग और मजबूती के साथ जो सदानंद बाबू के समय का कांग्रेस का कांग्रेसी रहा है उससे भी ज्यादा हम लोग भरपूर मजबूती से सनोहला प्रखंड ही नहीं भागलपुर जिला